गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि मैं पूरे दिन भर में क्या खाती हूँ अपने वेट को मेंटेन करने के लिए और लूज़ करने के लिए। तो आप में से बहुत लोगों की बहुत दिन से ये क्वेरी थी, तो मुझे लगा कि चलिए आज आप लोगों के साथ मैं यही शेयर करती हूँ। तो आज है सैटरडे और मेरी जो मॉर्निंग है वो शुरू हुई है। सैटरडे और संडे मैं थोड़ा सा रिलैक्स रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे हर दिन फिर सेम लगता है। तो बेसिकली लाइफ में चेंज लाने के लिए अपने जो सैटरडे संडे हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स रखने चाहिए। तो मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूँगी कि जो सैटरडे संडे हैं वो थोड़ा सा कूल लेके चलें, ताकि आप लोगों को अपनी मंडे मॉर्निंग स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। एनीवेज, मैंने अभी जो अपना ब्रश वगैरह है वो सब किया है, अपना मॉर्निंग रिजीम पूरा किया है। मैं आई हूँ किचन में और अपने लिए बना रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। तो हर दिन का मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक रहता है वो अलग अलग रहता है, वो आप लोगों ने देखा भी है मेरे व्लॉग्स में। तो आज बेसिकली मैं पी रही हूँ मेरा ज़ीरा और हल्दी वाला पानी। तो इसको मैं बहुत अच्छे से पकाऊंगी, और हल्दी तो आपको पता ही है कि कितनी गुणकारी है, हमारे इम्यून सिस्टम को कितना बूस्टअप करती है, और जो ज़ीरा होता है वो हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। इसीलिए वाली जो ड्रिंक है वो अपने मतलब रूटीन में ज़रूर शामिल करें। और बस मैं आई हूँ बालकनी में, अपने प्लांट्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरे पास उतने प्लांट्स नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं, जैसे भी मैंने मेंटेन किया है, इनको देख के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ पे मेरा जो काढ़ा है वो भी पक गया है। तो बस मैं अभी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक इंजॉय करूँगी अपनी नेचर के साथ। और कोविड के बाद से मैंने थोड़ा सा अभी मॉर्निंग में सन में बैठना शुरू किया है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए जो सन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉर्निंग की जो धूप होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, तो आप लोगों को भी ज़रूर लेनी चाहिए। और बताइएगा मेरा ये जो न्यू वाला गाउन है ये कैसा लग रहा है, और रियली इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और पहन के तो ये बहुत ही सुंदर लगा। अपनी मॉर्निंग ड्रिंक इंजॉय करने के बाद मैं आई हूँ वॉक करने के लिए। तो अभी आफ्टर कोविड मैंने वॉक शुरू की है, अभी मैं कोई हैवी वर्कआउट मैंने अभी शुरू नहीं किया है, क्योंकि मेरी बॉडी अभी उतना साथ नहीं देती है और बॉडी में पेन रहता है। लेकिन वापस मैंने अपने स्टेमिना को गेन करने के लिए थोड़ा जो वॉक है वो शुरू की है। मैंने अपने फिटनेस ट्रेनर से बात किया था, तो उन्होंने वही बोला था कि थोड़ा वॉक से आप शुरू कर सकते हो, फिर बाद में जो भी आपका वर्कआउट है वो आप शुरू कर लेना। तो इसीलिए मैंने जो अपनी वॉक है वो शुरू की है। और हम लोग ना वॉक करने के लिए अपने टेरेस पे आ जाते हैं, हमारा टॉप फ्लोर है और टेरेस मतलब जस्ट ऊपर ही है ना, तो इसीलिए, और कोई आता नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो टेरेस है वो सेफ भी है, और हमारी सोसाइटी में अभी कोई केस है भी नहीं। तो इसीलिए टेरेस पे आते हैं, थोड़ा पॉजिटिविटी भी मिल जाती है, बर्ड्स देख लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मम्मी भी फिर यहीं पे ही आ जाती हैं वॉक करने के लिए, तो बहुत अच्छा फील होता है। वॉक हो गई है कंप्लीट, और अभी मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। ब्रेकफास्ट में आज बनने वाला है ढोकला, और ढोकले के लिए ना सूजी और बेसन को भिगा के रख दिया था दही में और नमक डाल के। तो क्विक रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे ढोकला आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में बहुत बार देखा ही है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और इसमें मैं बहुत थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसमें फिर इनो डालने के बाद मैं अपने स्टीमर में इसको चढ़ा दूंगी, और स्टीम मैं इसको करूंगी 30 से 35 मिनट तक मैं इसको अपने स्टीमर में लगाऊंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और मीनवाइल मैं इसकी टेम्परिंग की तैयार करूंगी। तो मैं टू टाइप्स का ढोकला बनाती हूँ, पानी वाला और फ्राइड। तो एक प्लेट जो ढोकला है वो मेरा बनता है पानी वाला, और उसमें शुगर और मतलब खट्टा मीठा ढोकला बनता है, एक बनता है फ्राइड वाला। तो बस यहाँ पे मेरा जो खट्टा मीठा ढोकला बनाने के लिए, तो मैं ज़ीरा, राई और कड़ी पत्ता और राई, इन तीनों का तड़का लेती हूँ, और साथ में डालती हूँ हरी मिर्ची
और पानी ऐड कर देती हूँ उसमें, फिर थोड़ा सा चीनी और थोड़ा खट्टा बैलेंस करके, वो फिर मैं ठंडा करके जब मेरा ढोकला स्टीम हो जाता है फिर मैं ऐड कर देती हूँ। और फ्राइड के लिए सिंपल सब जो मसाले हैं उनमें मैं फ्राइड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो ढोकला है वो है, वो तैयार हो गया है। तो बस मैं भी अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप लोग जो पानी वाला ढोकला है वो आप अवॉइड करिएगा खाना, क्योंकि कैलरीज ज़्यादा रहती है ना। और अगर आपका बिल्कुल मन नहीं मानता तो आप एक पीस ले लीजिएगा। तो बस यहाँ पे साइंस वही है वेट लॉस करने के लिए, कि आपको जो कैलरीज हैं वो आपको मतलब देख के खानी होती हैं, तो इसीलिए। और फ्राइड वाले के भी आप 2 पीस ले सकते हैं। फाइनली अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी आपने देखा ही ढोकला खा के आ रही हूँ। और आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे ना आज मैं ये वाला वीडियो शूट कर रही हूँ, व्हाट आई ईट इन अ डे। एक्चुअली कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि वेट लॉस में हमें क्या खाना चाहिए और कैसे वेट लॉस करना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस पे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी वेट लॉस डाइट पे नहीं हूँ, मैं अभी अपनी मेंटेनेंस डाइट पे हूँ। एक्चुअली वेट लॉस करना जितना टफ है ना, उतना ही वेट को मेंटेन करना है। और अगर आप हेल्दी वे में वेट लूज करते हैं ना, तो वो वेट कभी आपका गेन नहीं होता है। और दूसरा ये कि मेरा जो एज, मेरा जो बीएमआई और मेरी जो हाइट के अकॉर्डिंग है, तो मेरा जो वेट, मेरा जो वेट है ना वो बेसिकली परफेक्ट है, क्योंकि मुझे उसको मेंटेन करना है, उससे मुझे कम नहीं जाना है, बिल्कुल भी कम जाना नहीं था। लेकिन कोविड में मेरा जो वेट है वो 3 kgs लूज हो गया है, और ऐसे होता ही है। तो जिसके कारण ना मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आई है, बहुत ज्यादा मुझे बॉडी पेन्स आए हैं, स्टिल मैं रिकवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लेग्स में, मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है। अब से 1 महीना पहले की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ थोड़ा अलग थी, मेरा जो वर्कआउट लेवल था, मेरा जो डाइट था टोटली डिफरेंट था। लेकिन कोविड के बाद मेरे जो हस्बैंड हैं, मैंने उनको बोला कि मेरा वेट बढ़ जाएगा और मुझे वापस डाइट पे जाना है, तो ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि तुम्हें डाइट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर तुम चक्कर खा के अगर गिर गई तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कोई फैंसी डाइट फॉलो करें। अगर आप मुझे 1 साल पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत ही हेल्दी डाइट, घर का बना हुआ खाना, पोर्शन कंट्रोल करके अपने वेट को लूज किया है। और आपको 1 साल पहले मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने स्ट्रिक्टली शो किया है कि मैंने वेट लॉस पीरियड में क्या खाया है। और जिन लोगों ने मेरे साथ साथ वेट लॉस किया है उनको वेट मेंटेनेंस डाइट चाहिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ ना वही कुछ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हर दिन अलग होता है क्योंकि हर दिन अलग खाना बनता है। और अभी ना क्या होता है कि मैं वेट मेंटेनेंस डाइट पे हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे जो चीट मील्स है ना वो भी हो जाते हैं, और वो आपने मेरी वीडियोज में देखे ही हैं। लेकिन अभी मुझे ना मेरी बॉडी का जो टाइप है वो पता चल गया है, उनको कैसे कंपनसेट करना है, कैसे अपना जो वेट, जो अपने मील्स है ना उनको बैलेंस करना है, वो मुझे बहुत अच्छे से आ गया है। सबसे अच्छा पार्ट ये रहा कि मैंने कोई भी अपनी जो वेट लॉस जर्नी है वो अपने मन से शुरू नहीं की, मैंने अंडर गाइडेंस शुरू की है। अनवित वेट करो अनवित, मैंने जो अपनी वेट लॉस जर्नी है वो मतलब अंडर गाइडेंस शुरू की है, अपने फिटनेस जो मेरे कोच थे तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी कोई ऐसे फैंसी एक्सट्रीम डाइट पे मत जाएं, क्योंकि कोविड टाइम है, इसमें हमें अपने इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करके रखना है। तो आज जैसे मैंने कुछ 10 या 15 डेज से ही ना अपने मन के लिए थोड़ा वॉक करना शुरू किया है। हालांकि सौरभ ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा शुरू करती हूँ, क्योंकि वापस मुझे अपनी बॉडी में ना एनर्जी गेन करनी है, क्योंकि मेरी जो बॉडी है ना अभी बहुत ज़्यादा लो हो गई है। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खाने वाली हूँ और कैसे मेरा डाइट रहता है। तो 1 महीने पहले मैं जो मेरा डाइट था और अभी का जो मेरा डाइट है ना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं कोविड की वजह से, क्योंकि मैं ना अभी उतना ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ कि मुझे ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, मुझे अच्छा लगता है तो मैं मतलब खा लेती हूँ। तो इसीलिए चलिए अभी मुझे करना है थोड़ा सा काम और व्लॉग एडिट करना है, वही लेके बैठी थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूँ, क्योंकि आप लोगों को ना मेरे जो वेट लॉस टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और बहुत लोगों ने मेरे साथ वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, मेरे वीडियोस देखे थे एक्सरसाइज वाले, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। तो वही सोच के आज मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियो शूट किया है, कि चलिए आप लोग कितनी रिक्वेस्ट है तो मैं आज ही
वाला वीडियो बना देती हूँ कि व्हाट आई ईट इन अ डे, तो ऐसे जो वीडियोस हैं वो मैं लेके आते रहूँगी। लेकिन पहले आप आज का तो देखिए आज मैं क्या खाने वाली हूँ। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से स्नैक टाइम पे कि मैं क्या स्नैक ग्रैब करने वाली हूँ आज अपने लिए। अभी 11:45 हुआ है और मैं लेके आई हूँ अपना नारियल पानी। तो इस समय आप कोई फ्रूट भी खा सकते हैं, मेरा फ्रूट खाने का मन नहीं था, मैं अभी चीकू या फिर ग्रेप्स वगैरह खा लेती हूँ। और जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तब मेरी डाइटिशियन ने स्ट्रिक्टली जो बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स थे वो बंद किए थे, तो जो वाटर बेस्ड फ्रूट्स हैं उस समय मैं वही खाती थी। और ऑरेंजेस था, एप्पल था, अनार था, तो ये मैं उस समय खाती थी। लेकिन अभी मैं ग्रेप्स चीकू जो भी सीजनल फ्रूट होता है वो मैं खा लेती हूँ। तो आज मनारल पानी पीने का मन था तो मैं पहले ये लेके आई हूँ। और अभी टाइम हो गया है शाम के पेट्रोल का, यानी कि चाय, और मैं अभी चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। तो लंच के बाद ना हम लोग मूवी देखने लग गए थे। कुछ मिलता नहीं है आजकल, मूवी वूवी कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ सिलेक्शन, कौन सी थी वो, सिलेक्शन डे हम लोगों ने देखी, लेकिन मज़ा नहीं आया यार। कुछ सजेस्ट करो प्लीज़, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोर हो गया यार इस वाले लॉकडाउन में। तो पहले तो ये था कि भर भर के सीरीज़ थी, अब तो कुछ भी नहीं है। आप लोग बताओ यार, आप लोग कैसे अपना टाइम पास कर रहे हो। एनीवेज़ मैं चाय बनाने के लिए रखती हूँ और शाम को ना आप लोगों के साथ एक बहुत हेल्दी वाली रेसिपी शेयर करूँगी, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपनी चाय बनाते हैं। यहाँ पे मैं जो डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके लिए मैंने सूजी लिया है और इसमें मैंने खट्टा दही ऐड किया है और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। तो इसका स्मूथ पेस्ट बना के मैं रख दूँगी क्योंकि डिनर में अभी काफ़ी टाइम है, तब तक ये अच्छे से मतलब सूजी फूल जाएगी और जो हमारी रेसिपी है ना वो भी फिर बहुत अच्छी बनेगी। और इधर जो चाय है वो भी मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और चाय के साथ ना मैं आज ले रही हूँ बिस्किट। तो बेसिकली अभी मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरे थोड़े से मील अभी इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं ये बिस्किट ले लेती हूँ। मैं जब वेट लॉस जर्नी में थी तब मैं बिस्किट वगैरह नहीं लिया करती थी, तो मैं भुना चना वगैरह लेती थी। अभी भी खाती हूँ भुना चना, लेकिन आज खाने का मन नहीं था इसीलिए मैं मतलब बिस्किट लेके आ गई हूँ। तो बेसिकली ये है मेरा मतलब चीट मील आज का। शाम को मैं सूजी सैंडविचेस बनाने वाली हूँ, तो उसमें ये सब वेजिटेबल्स जाएंगी। वेजिटेबल्स मैंने बहुत सारे ली हैं, अनियन लिया है, कैप्सिकम लिया है, टमाटो लिया है, और यह है पूरा पनीर 250 ग्राम्स जो मैंने क्रस्ट कर लिया है। और इसको बस बेसिकली मुझे स्टफिंग तैयार करनी है, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयार करिएगा। अगर आप कोई इसमें मतलब सॉस भी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये हेल्दी वर्जन शो कर रही हूँ तो उसमें कोई भी सॉस वगैरह ऐड नहीं करूँगी। वैसे भी मैं यूजुअली ऐड नहीं करती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। मेरी जो मोस्ट ऑफ द कुकिंग होती है वो मस्टर्ड ऑयल में होती है। मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्दी है खाने के लिए, तो आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया, अनियन ऐड करूँगी, अनियन जब अच्छे से सोटे हो जाएगा तब उसमें बेसिक मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा तंदूरी मसाला ऐड करूँगी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। और इसमें मैंने इटालियन सीजनिंग ऐड की थी थोड़ा और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। और बस जब मेरा अनियन में मसाले डालने के बाद इसमें मैं अपने टोमेटोज़ ऐड कर दूँगी, टोमेटोज़ मेरे अच्छे से भुन जाएंगे, तब मैं इसमें अपने कैप्सिकम ऐड कर दूँगी, पनीर ऐड कर दूँगी, सॉल्ट ऐड कर दूँगी, और फिर इसको अच्छे से मतलब कुक करके मेरी जो स्टफिंग है वो तैयार हो जाएगी। सो फाइनली मेरी जो स्टफिंग है वो तैयार हो गई थी। और स्टफिंग तैयार करने के बाद ना हम लोग थोड़ी देर के लिए टेरेस पे आ गए हैं क्योंकि अनवित का मन था, उसको साइकिलिंग भी करनी थी। और अच्छा लगता है शाम के टाइम भी ना पॉजिटिविटी मिल जाती है, और दूर दूर बिल्डिंग्स में भी लोग अपने टेरेस पे रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है कोई इंसान तो देखने के लिए मिल रहा है, वरना घर घर में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और इस समय ना पॉजिटिविटी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग भी अगर आपके यहाँ पॉसिबल है तो ऐसे टेरेस वगैरह पे ज़रूर जाएं, अपनी बालकनी में ज़रूर बैठें, तो ऐसे नेगेटिविटी मतलब दूर करने के लिए ये बहुत अच्छे इलाज हैं, जितना पॉसिबल हो उतना मतलब करें। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं और अभी मैं यहाँ पे डिनर तैयार कर रही हूँ, तो सब लोगों को खिला दिया है।
और बस ये वाला मैं तैयार कर रही हूँ, अभी सौरभ को दूंगी, फिर उसके बाद मैं अपना रेडी करूँगी। तो ये बनाना थोड़ा पेशेंस का काम है। फ्रेश हरे धनिया की चटनी बनाई है, तो बेसिकली मैंने स्प्रेड कर दी थी एक लेयर, और फिर इस पर मैंने हरे धनिया की चटनी स्प्रेड कर दी फ्रेश, और इस पर मैं स्टफिंग लगाऊंगी, और इस पर फिर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा कैचअप, और इसमें अगर आप चाहें तो मतलब जो लोग वेट लॉस जर्नी में नहीं है वो लोग इसमें चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी वर्जन है, और बस इस पर वापस मैं एक लेयर लगाऊंगी अपना सूजी वाले घोल का, और इसको अच्छे से सेकूंगी। तो इनको सेकने में ना बहुत टाइम लगता है, तो बस यही इसमें से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन सीखने के बाद जो एंड रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि आप एक मतलब वेट लॉस वाली डाइट ले रहे हैं। बहुत ही टेस्टी ये लगता है और हेल्दी तो है ही है। तो बस इसको मैंने ऐसे कवर कर दिया, तो आप बनाने का प्रोसेस देख लीजिए। तो इसको बस ढक के पकाना है, जब नीचे वाली लेयर सिक जाए तभी इसको पलटना है, वरना तो ये बीच में से टूट जाएगा। और इसको देसी घी में ही सेकेगा, क्योंकि देसी घी हमारी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बस ऐसे मेरा जो डिनर है वो तैयार हो गया है। तो आप ये वाला, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो इसका आप हाफ पीस खा सकते हैं, लेकिन पूरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में पोर्शन कंट्रोल करके खाना होता है। कहने को हेल्दी है, लेकिन हेल्दी चीज़ें भी अगर ओवर ईटिंग की जाएँ तो वो मतलब फिर वेट गेन ही करती हैं। सो फाइनली मेरा डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया है, और अभी शावर ले लिया है, अपना स्किन केयर जो आजकल कर रही हूँ वो कर लिया है। और ये देख के आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि अभी कोविड के बाद ही बहुत ज़्यादा ये गरम गरम चीज़ें हुई ना, कोविड की जो दवाई थी वो भी काफ़ी गरम थी, फिर काढ़ा वगैरह, उसकी वजह से शायद मेरी स्किन ने रिएक्ट किया है। बाकी आपने देखा ही है कि मेरी स्किन जो है वो मतलब क्लियर ही रहती है, और डार्क सर्कल्स जो काफ़ी लोग बोलते हैं उनको मैंने बताया है कि ये कोई मेरे वेट लॉस की वजह से नहीं है, और मेरी नींद डिस्टर्ब रहती है तो उसकी वजह से मुझे डार्क सर्कल्स हैं, तो वो रीज़न है। और इनका जो मेडिकेशन वगैरह वो मैं सब करती हूँ, लेकिन अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो कोई भी मेडिकेशन जो है ना वो वर्क नहीं करता है। तो एनीवेज, तो ऐसा रहता है मेरा जो डाइट प्लान है ना, और जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनको मैं मतलब यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि मैंने मतलब ऐसे घर की चीज़ें खा के अपना वेट लॉस किया है, वो आप देखते ही हैं। कोई मैंने कोई फैंसी सैलेड वैलेड नहीं खाया है। और दूसरी बात ये कि आप जो मैंने आज खाया है, जैसे आपको मैंने दिखाया है, तो इसमें आप खाएं ना तो आप अपना पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। एक्चुअली बेसिकली क्या है वेट लॉस ना, आपको अपना जो BMI है वो निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलोरीज डिसाइड करनी पड़ेगी, और फिर उस कैलोरी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो मील है ना वो लेने पड़ेंगे। तो बस यही है कि आप अपना जो मील प्लान है, आप जो खाते हैं ना वो आप एकदम हेल्दी खाएं। घर का खाना जो है ना वो एकदम हेल्दी होता है, और वाइट शुगर, फ्राइड फूड, इनसे एकदम दूर रहें वेट लॉस जर्नी में। लेकिन जब आपका वेट लॉस हो जाता है ना, तब आप कभी कभी अपने जो टेस्ट बर्ड हैं उनको पूरा करने के लिए सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर करिए। तो ये हैं, और जो मैंने आज आपको दिखाया ना, ये सब चीज़ें खा के बिना आप एक महीने में ना 4 से 5 kgs आराम से लूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा थोड़ा सा प्लान और स्ट्रिक्ट था, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करती थी, तो इसीलिए मुझे जो मेरे रिजल्ट हैं वो मतलब काफ़ी जल्दी अचीव भी हुए हैं, और मेरी जो विल पावर थी वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैंने आपको यही बताया कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका जो वेट लॉस है उसको मतलब कोई नहीं रोक सकता, और 100% हो गई होगा, लेकिन आपको उसमें विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो यही है, और अगर आप लोग और भी मेरे ऐसे ही व्हाट आई ईट इन अ डे देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आई विल शेयर विद यू। क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़े ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी रेसिपीज़ वगैरह तो यह है कि सब कुछ बनाते हैं एकदम सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। आज इवनिंग में भी मैंने जो बनाया था ना ये सूजी सैंडविच, तो इसमें भी क्या है ना कि आप इसको भी खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें ना पोर्शन कंट्रोल करिएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनहेल्दी है, लेकिन ओवर ईटिंग अगर आप किसी भी चीज़ की करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको वेट मतलब वेट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये कि जितना हो सके उतना पानी पिए, और रात को आप डिनर 22:00 तक अपना जो डिनर है ना वो आपको फिनिश कर लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगती
रहती है, तो आप मिल्क ले सकते हैं विदाउट शुगर। तो ये है, तो चलिए अभी मैं आपके साथ कभी और सारी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि आई थिंक आज का जो वीडियो है वो भी थोड़ा लंबा हो गया होगा। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से, और आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल इस पैंडमिक टाइम में, क्योंकि अभी पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ा कम मिल रही है, नेगेटिव ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेयर करें, हेल्प करें सब लोगों की, ये मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करूँगी। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।